दोस्तों, आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे स्टार को अभिनय करते हुए देखा होगा, जिन्होंने अपने हर किरदार से लाखों करोड़ों दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और एक यही वजह है कि वो बेहद ही ज्यादा मशहूर भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग करके मशहूर हो चुके वो स्टार आज बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। उनमें कुछ स्टार ने तो शादी भी कर ली और कुछ के बच्चे भी इन्हीं की तरह एक्टिंग के फील्ड में एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड में अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए स्टार के आज के बारे में बताने वाले हैं, जो पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, सिकंदर खरबंदा। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेता सिकंदर खरबंदा का नाम शुमार है, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी और अब ये पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। इन्होंने आज अपने 42 साल की उम्र को पूरा कर लिया, जहां ये अपनी मूवी में जीन्स शर्ट और शर्ट पैंट जैसे ड्रेसेस में नजर आते थे, जिसमे ये काफी अच्छे लगते थे। वही रियल लाइफ में भी हर तरह के ड्रेसेस को कैरी करते हैं, जिनमें ये काफी हैंडसम लगते हैं। अब अगर बात करें इनकी वाइफ और चाइल्ड के बारे में, तो इन्होंने साल 2008 में गीतांजलि टिकेकर से शादी कर ली और आज शादी से इन्हें एक बेटे का आशीर्वाद मिल चुका है। आपको बता दें कि इनकी पत्नी पेशे से टीवी एक्ट्रेस है। अब बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनके बेटे का नाम सूर्या खरबंदा है, जो फिलहाल अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। नंबर दो, पंकज धीर। चलिए बात करें अभिनेता पंकज धीर के बारे में, जो कई सारी फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर आए हैं और अब ये पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। इन्होंने वर्तमान में अपनी 56 साल की उम्र को पूरा कर लिया, जहां ये अपनी फिल्मों में फॉर्मल ड्रेसेस को कैरी करते हुए नजर आते हैं, तो वही रियल लाइफ में कुर्ता पजामा जैसे ड्रेसेस में ज्यादा दिखाई देते हैं। वही अगर बात करें इनकी वाइफ और चाइल्ड के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम अनीता धीरज है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी कर ली थी और आज शादी से इन्हें एक बेटे का आशीर्वाद मिला। अब बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनका एक बेटा है जिसका नाम निकेतन धीर है, जो पेशे से एक एक्टर है, जिन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस, शेरशाह और जोधा अकबर जैसी मूवी में अभिनय करते हुए अपना काफी अच्छा प्रदर्शन किया। नंबर तीन, विश्वजीत प्रधान। साल 1988 में आई मूवी फौजी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता विश्वजीत प्रधान आज पहले से ज्यादा बदल चुके हैं। इन्होंने आज अपनी 56 साल की उम्र को पूरा कर लिया, जहां ये अपनी फिल्मों में कुर्ता पजामा से लेकर शर्ट पैंट जैसे ड्रेसेस को कैरी करते हैं, तो वही ये इसमें काफी यूनिक लगते हैं। साथ ही ये रियल लाइफ में भी ज्यादातर कैजुअल ड्रेसेस को ही कैरी करते हैं, जिनमें ये बहुत अच्छे लगते हैं। वही बात करें इनकी पत्नी और बच्चों के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम सोनालिका प्रधान है, जिनसे इन्होंने कुछ सालों पहले शादी की थी और उनसे इन्हें दो बच्चों का आशीर्वाद भी मिला। नंबर चार, शर्मन जोशी। थ्री इडियट्स, हेट स्टोरी 3 और गोलमाल फन अनलिमिटेड मूवी में एक अच्छा किरदार निभाते हुए नजर आए अभिनेता शर्मन जोशी के आज के बारे में बात करें, तो इन्होंने वर्तमान में अपनी 42 साल की उम्र को पूरा कर लिया। ये अपने मूवी में हर तरह की ड्रेस को कैरी करते हुए नजर आए, जिनमें ये काफी यूनिक और अच्छे लगते हैं। वहीं रियल लाइफ में पैंट शर्ट ड्रेसेस नहीं दिखाई देते, जिसमें इनके बिखरे हुए बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिसमें ये हैंडसम भी दिखाई देते हैं। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ वाइफ एंड चाइल्ड के बारे में, तो इन्होंने साल 2000 में प्रेरणा चोपड़ा से शादी की थी और आज इन्हें तीन बच्चों का आशीर्वाद मिला। इनकी वाइफ एक हाउसवाइफ है। बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनके तीनों बच्चों में बेटी खयाना और जुड़वा बेटे वारियान और विहान का नाम शामिल है। नंबर पाँच, रिया सेन। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अभिनेत्री रिया सेन का नाम शुमार है, जो बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर मूवी रागिनी, एमएमएस रिटर्न, ताजमहल और पति पत्नी वो जैसी मूवी में अच्छी एक्टिंग करती हुई दिखाई दी थी। अब अगर बात करें इनके आज के बारे में, तो इन्होंने आज अपनी 40 साल की उम्र को पूरा कर लिया। अगर बात करें इनमें आए बदलाव के बारे में, तो जहाँ ये अपनी फिल्मों में वेस्टर्न ड्रेसेस में दिखाई देती है, तो वही रियल लाइफ में भी वेस्टर्न ड्रेसेस में ही नजर आती है। आपको बता दें कि ये पहले की तरह आज भी खूबसूरत और स्टाइलिश भी नजर आती है। अब अगर बात करें इनके पति और बच्चों के बारे में, तो इन्होंने साल 2017 में शिवम तिवारी से शादी कर ली थी और आज एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। अब बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो फिलहाल इनका कोई बच्चा नहीं है। तो दोस्तों, आपको इन स्टार्स के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरें को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।